हेलो फ्रेंड्स, माला किचन रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बदलते हुए मौसम में हर घर में सर्दी खांसी जैसी समस्या आ रही है, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे माँ नानी दादी द्वारा तैयार किया गया था। और जब भी हम बीमार पड़ते थे तो हमें यही काढ़ा पिलाकर ठीक कर दिया जाता था। ये बहुत ही असरदार काढ़ा है, आज भी हम इसी काढ़े को पीकर ठीक होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काढ़ा बनाने के लिए सारी सामग्रियाँ ले ली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुत काली मिर्च, यहाँ पे लिया है दो छोटी इलायची, कुछ लौंग, और यहाँ है चाय पत्ती। चाय पत्ती ऑप्शनल है। यहाँ पे लिए जैगरी यानी गुड़, और ये है बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची, दो दालचीनी के टुकड़े, ये लिया मैंने अदरक, और यहाँ पर है कच्ची हल्दी, और ये है तुलसी के पत्ते और तेज पत्ता, और लिया है नींबू, और एक भगोने में लेना है 4 कप के करीब पानी। इस पानी को बॉईल करने के लिए गैस पे बिठा देना है। जितनी देर में ये पानी बॉईल होता है उतने में हम मसालों को कूट लेते हैं। यहाँ पर मैंने हमाम दस्ता ले लिया है। हमाम दस्ते में सारे मसालों को हम कूट लेंगे। अदरक और हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब इनको डाल देंगे और सारे मसालों को डालकर कूट लेंगे। यहाँ पर चाय पत्ती और नींबू जो है ऑप्शन है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कई बार जो काढ़ा होता है थोड़ा कड़वा होता है तो पीने में अच्छा नहीं लगता। चाय पत्ती डालने से थोड़ा चाय का फ्लेवर आ जाता है, और नींबू डालने से हल्की सी खटास, जिससे काढ़ा जो है पीने में अच्छा लगता है। इसीलिए आप नींबू और चाय पत्ते का यूज़ करेंगे तो आपको भी काढ़ा पीने में सुविधा रहेगी, अच्छा लगेगा। मसाला सारा कूट गया है, अब इसे गर्म पानी में डाल देंगे। सारे मसालों को डालने के बाद जो है काढ़े को बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। 4 गिलास पानी डाला है तो ये घटकर 2.5 गिलास के करीब रहना चाहिए। जब इसमें उबाल आ जाए तो बचे हुए मसाले भी इसमें डाल देंगे, जैसे तेज पत्ता, तुलसी के पत्ते, चाय पत्ती, गुड़, और लास्ट में नींबू का रस डालकर इसे सर्व करेंगे। अब इसमें तेज पत्ता तोड़कर डाल देते हैं, और जाएगा तुलसी के पत्ते। अब इनको डालने के बाद फिर से इसे बॉईल करना है, और थोड़ी देर बॉईल करने के बाद इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद भी इसे थोड़ा बॉईल होने देंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे चाय की पत्ती, और लास्ट में डाल देना है अब हमें चाय की पत्ती। चाय की पत्ती डालने के बाद इस काढ़े को फिर से थोड़ी देर बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, काढ़ा बनकर एकदम तैयार है। अब इसे एक जार में छान कर रख लेते हैं। इसे ठंडा करके आप जब चाहे इसे निकाल कर पी सकते हैं, पर ये ज़्यादा पीना भी अच्छा नहीं है। ये नहीं कि हर एक घंटे घंटे बाद आप पिए, क्योंकि ये गर्म होता है, गर्म मसाले डालने के कारण काढ़ा जो है गर्म होता है। तो इसीलिए दिन में, पूरे एक दिन में 3 से 4 बार पी लें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो बस इसे निकालने के बाद नींबू डाल लें, स्वाद अनुसार आप नींबू डाल लें जितनी आपकी खटास चाहिए। तो आप सब इस काढ़े को अपने घर में बनाएं और परिवार को पिलाएं, ताकि सबकी इम्यूनिटी बनी रहे और इस सर्दी खांसी से बचे रहें। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।